नमस्कार दोस्तों, मल्टीटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक ऐसा बताने जा रहा हूं जो हर टेक्नीशियन एलईडी टीवी बनाने वाले को और रिपेयर करने वाले नए टेक्नीशियन या पुराने टेक्नीशियन या और भी कोई भी टेक्नीशियन जो अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं या अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए मैं नया ऐसा एक चीज़ लेकर के आया हूँ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप खुद देखिएगा तो समझ में आएगा। और अभी तक मैंने यही देखा YouTube चैनल पे या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इस चीज़ को आपको लोग को कोई बताने का जानकारी नहीं दिया। तो मैंने सोचा, मैं तो इस चीज़ को बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ कि मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ ताकि हमारे नए टेक्नीशियन या पुराने टेक्नीशियन या जो नए ये वर्क चालू करने वाले हैं टेक्नीशियन सीख रहे हैं अभी इंस्टीट्यूट में, उनके लिए मैं एक अच्छा सा लेकर के आया हूँ जो मदरबोर्ड टेस्टर के लिए, जो बहुत सारे पुराने टेक्नीशियन तो अपना खरीद करके रखे हैं, मदरबोर्ड टेस्टर आता है जो कि लगभग 30,000 से 35,000 के आसपास मिलता है। मैं एक ऐसा सस्ता जुगाड़ लेकर के आया है, इसको जुगाड़ ही कहेंगे, कि आपको किसी भी मदरबोर्ड का आप इसमें चेक कर सकते हैं और आपका इसमें सारा काम हो जाएगा और बहुत कम खर्चों में आप इसे चेक कर सकते हैं और हर तरह का मदरबोर्ड आप यूज कर सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये मैं मदरबोर्ड लेकर के रखा है जो इसमें लगाया है, मैं इसको चालू करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको YouTube चैनल पे पहली बार आपको इस तरह का टेक्निकल जुगाड़ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे भी देखें और सीखें, अपना वर्क करें। तो मैं देखिए, मैं इसमें क्या दिखाने जा रहा हूँ जो आप खुद समझ सकते हैं। देखिए, ये मेरा टीवी ओके हो गया। देखिए, इस टीवी में मैंने जो किया है, इसमें आपको कहीं से भी कोई पावर सप्लाई नहीं दे रखा है बैकलाइट के लिए। आप देख रहे होंगे, बैकलाइट के लिए कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। बस एक ये LVDS आप लगाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक LVDS ये लगाइए और अपना ये बैकलाइट और पिक्चर सारा आ जाएगा। और ये साउंड का है, ये तो मैं साउंड का लगा रखा है कि जो कि साउंड भी आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, मैं इसे आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। मैं तो ये बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ। तो हमें दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाना ना भूलें, ताकि हर आपको नए जुगाड़ टेक्नीशियन के लिए, नए हमारे दोस्तों के लिए, ये आपको नए से नए चीज़ मैं लेकर के आता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए, मैं इसको ओपन करके, मैं तो यहाँ फिट कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया और क्या किया। दोस्तों देखिए, मैं इसको ओपन कर लिया, मैं आगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, इसका बैकलाइट को देखिए, ये बैकलाइट है, आपको ये बैकलाइट का वायर है, आप देख रहे हैं, मैंने एक ड्राइवर यहाँ लगा दिया बैकलाइट के लिए। और देखिए, एक कुछ भी नहीं लगा है, बस यहाँ से एक LVDS लगी हुई है जो फुल HD का है। और ये आपका पैनल हुआ, ये पैनल में देख लीजिए, मैं पैनल लगा रखा हूँ और ये 5 वोल्ट का है। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये किया गया। और एक मैं यहाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो यहाँ मैंने एक अपना जुगाड़ लगा करके रखा हूँ, जो इससे बैकलाइट भी जलता है और आपका ये पैनल में भी ऑन होता है। और मैं दिखा रहा हूँ आपका बोर्ड में, कहीं से भी आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई फंक्शन नहीं लगा रखा हूँ। देखिए, एक केवल LVDS है, देखिए ये LVDS है और ये स्पीकर का है, बाकी और मैंने कहीं से कुछ भी नहीं लगा रखा है। मैं नए टेक्नीशियन के लिए या पुराने टेक्नीशियन के लिए
मदरबोर्ड चेक करने का एक तरीका दिया हूँ जो आप खुद देख करके समझ सकते हैं। और इसमें आप कोई भी बोर्ड हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको बैकलाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ आप LVDS लगाइए। देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, ये LVDS आप लगाएं और इसमें केवल ऑन दीजिए। देखिए आपका ये जो बैकलाइट का है कुछ भी इसमें नहीं लगा हुआ है, केवल ये LVDS लगा है और इसमें ये पावर है और ये HDMI है। तो मैं समझ सकता हूँ, आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मैंने बनाया, तो ये आप किसी भी तरह का मदरबोर्ड, आप फ्लैप वाला हो या इस तरह का LVDS वाला हो, इस तरह का LVDS हो, आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो फ्लैप वाली केबल आप उसको भी इसमें चेक कर सकता हो। मैं इसमें आपको इतना ही बता रहा हूँ, जो मैंने लगाया है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में एक मैंने जुगाड़ करके अपना एक लगा रखा है, जिससे आपका ये पैनल चलेगा और ये बैकलाइट भी जलेगा और आपका पिक्चर भी आएगा। इसमें और कुछ भी मैंने नहीं लगाया। तो आप इस तरह से आप बना लीजिए। और इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आगे मैंने क्या क्या किया, तो आपको समस्या हल हो जाएगा, मदरबोर्ड टेस्टर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप कोई भी बोर्ड, जैसे आपका सपोर्ट कीजिए कि आपके पास ये वाले बोर्ड हो, जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी बोर्ड अगर आपके पास है यूनिवर्सल में, दोस्तों मैं एक हाथ से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा तकलीफ तो हो रही है। दोस्तों देखिए ये आपका ये है, इसमें भी कुछ भी नहीं लगाना है, कोई भी मदरबोर्ड है आप इसमें चेक कर सकते हैं, चाहे कंपनी वाला हो, चाहे यूनिवर्सल हो, चाहे फ्लैप वाला हो या LVDS वाली हो, कोई भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। आपको मदरबोर्ड टेस्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका कीमत अभी 30,000 से 35,000 के आसपास आता है। और आपको मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा आप कोई भी ले लीजिए स्क्रीन जो Full HD में हो। सबसे खासियत इसमें यह है कि आपको कोई भी मदरबोर्ड में आपको 5 वोल्ट 12 वोल्ट, आप तो दो ही चलता है, 5 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो, 3 वोल्ट का तो अब बहुत कम मिलता है, तो आप इसमें कोई भी आपका 12 वोल्ट पे रहे, 5 वोल्ट पे रहे, तो भी आपका ये पिक्चर इसमें आएगा, बैकलाइट जलेगा। 12 वोल्ट आप दीजिए, कोई आपको कनेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसमें जो भी लगाइएगा 12 वोल्ट में, आपको सब चलेगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, मैं इसको इस टीवी को मैंने फिट कर दिया और कंप्लीट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए एक ये बोर्ड हुआ, देखिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लगा हुआ है। तो देखिए एक मैं इस पर भी चला करके आपको दिखाऊंगा, जो इसमें देखिए ये जो आप देख रहे हैं, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका जो पॉइंट है 12 वोल्ट का, मैं इस 12 वोल्ट पर आपको सेलेक्ट कर दिया है। तो आप इसमें 12 वोल्ट दीजिए, 5 वोल्ट दीजिए, आपको सभी से चलेगा। आपको इसमें किसी तरह का आपको वोल्टेज सप्लाई का चेंज नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा चल रहा है। और हर तरह का आप बोर्ड, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग का सहयोग रहा और आप लोग कमेंट किए कि इसके आगे भी हमें वीडियो बनाना चाहिए और इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, तो आप कमेंट करें और आगे मैं इसके बारे में और आगे बताने जा रहा हूँ कि आप फ्लैप वाला इसमें कैसे चेक करेंगे, या जो भी मदरबोर्ड आपको 4K का अगर मदरबोर्ड है तो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं 4K, जबकि आप जनरल में Full HD में नहीं चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं उसका ऐसा तरीकी जुगाड़ दिखाऊंगा जो कि आप इसमें 4K का भी पैनल अगर ये मदरबोर्ड हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं इस पर भी दिखा करके, चला करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसका भी
इस मदरबोर्ड का भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इससे मैं ये पावर सप्लाई है, इसमें मैं आपको केवल ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे रखा है। ये देख रहे हैं पावर सप्लाई मैंने दे रखा है, जिसमें आपको इसमें कोई भी बैकलाइट का आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। केवल मैं देखिए एलवीडीएस का कनेक्शन कर रखा हूँ, देख रहे हैं आपका एलवीडीएस, कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ सही से। और ये स्पीकर का है, जो मैं स्पीकर का भी आपको इसमें लगा करके मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि आपको कैसे इसमें आपको लगेगा। तो देखिए आगे मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा मैं एक ऐसा जुगाड़ लेकर के आया हूँ जो कि आपको, अब ये जो है बड़ी वाली है, इसका सॉकेट तो बड़ा है, तो ये अब इसमें तो लगेगा नहीं। कैसे लगाएंगे अब इसको, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये छोटा वाला जो है, ये छोटा वाला आप देख रहे हैं, छोटा वाला मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। इसमें लगाने के बाद देखिए इसमें लगा दिए, फिर उसके बाद मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, आपको इसमें देख रहे हैं, देखिए दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए इसमें आप इसको एकदम इजी लग जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें लग चुका, और आपका इसमें भी छोटा वाला भी एक लगा करके रखे हैं, मैं इसमें साउंड भी आपको चेक करा दूंगा, और आपको इसमें ये, अब देखिए मैं इसमें आपको सप्लाई दिया, देखिए ये स्टैंड बाई हुआ, ऑन हुआ। अब आगे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें आ गया, तो अब आप कहेंगे कि इसमें तो इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये आपका रेजुलेशन। तो देखिए दोस्तों मैं इसका साउंड अभी आपको मैं बंद कर करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये साउंड का भी काम कर रहा है, और ये आपका कम बेसी भी हो रहा है साउंड, तो साउंड मैं तो बंद कर दूंगा, नहीं तो सर आप जानते हैं कि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो देखिए अब रहा सवाल कि इसमें दो तरह का आ रहा है, तो मैं कैसे पता लगाया, आप ये हमारे पुराने टेक्नीशियन जो भी हैं वो इनको पता है कि ये अभी इसमें ये फुल HD का पैनल है, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ आपका नन HD, माने HD रेडी का मैंने चेक कर रहा हूँ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए आपको इनपुट और इसका सर्विस खोलेंगे सर, 1147 देखिए अभी ये आ गया, आप देख रहे हैं, मैं इसका पिक्चर भी आपको सेट करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये हो गया सर पैनल एडजस्ट, तो आपको इसका रेजुलेशन इसको सेट करना है तो ये ठीक हो जाएगा, फुल HD में करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसका रेजुलेशन सेट कर दिया, ये देखिए अभी देखिए पिक्चर क्वालिटी, देखिए फर्स्ट क्लास का पिक्चर क्वालिटी आ गया। अब इसमें आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं, अच्छा देखिए इसमें क्या मैंने लगाया, केवल एक LVDS लगाया और ये साउंड का लगाया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप करके आप अपना एक मदरबोर्ड टेस्टर बना सकते हैं, आपको जो 30,000-35,000 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। नए टेक्नीशियन हो या जो सीख रहे हैं या जो करना चाहते हैं, आप इस तरह से आपको मदरबोर्ड टेस्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। प्लस में आपको वो भी आगे मैं बताने जाऊंगा कि कोई भी पैनल आप एक मदरबोर्ड ले लीजिए, जो एक ये वाली जो U11 इसको बोला जाता है, जो यूनिवर्सल कहा जाता है, आप इसको ले लीजिएगा तो हर तरह का आप पैनल चेक कर सकते हैं। मैं आगे वीडियो में उसका भी लेकर के आपको आऊँगा और दिखाऊँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।